हम अधूरे हैं तब तक जब तक हमारे जीवन में किसी गुरु का, किसी संत का प्रवेश नहीं होता। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि संतों को हमने अपने जीवन से हटा दिया। आज के बच्चे संतों को कहाँ पसंद करते हैं? बॉलीवुड को पसंद करते हैं, हीरो हीरोइनों को पसंद करते हैं, संतों को नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं कि बेटा शराब ना पिया करो, मांस ना खाया करो, गुटखा ना खाया करो। तो ऐसा टोकने वाले व्यक्ति ना आज की युवा पीढ़ी को पसंद नहीं है। हमें टोकिए मत, हमें रोकिए मत। वो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लिविन में रह रहे हैं। अब उन्हें इस काम से जो रोकेगा तो वो तो उसे अपना दुश्मन मानेंगे। तो संतों का काम है हर गलत काम से रोकना। इसलिए आजकल के बच्चे संतों से नफरत करने लग गए हैं। कुछ बच्चे बॉलीवुड से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि बॉलीवुड उनके टाइप की बात करता है। वो शराब को प्रमोट करते हैं बॉलीवुड वाले, मांसाहार को प्रमोट करते हैं, लिविन को प्रमोट करते हैं वो, कि जब प्यार किया तो डरना क्या। इससे क्या होता है? और बात देखो, बच्चों का दोष नहीं है, बच्चे तो माटी होते हैं। कुम्हार माटी से चिलम बना दे चाहे तो घड़ा बना दे। बच्चों को जैसा माहौल मिल जाता है बच्चे वैसे हो जाते हैं। संतों का माहौल बचपन से मिलेगा तो बच्चों पे कुछ रंग चढ़ेगा। अब बच्चों को माहौल बचपन से संतों का मिलता नहीं तो फिर रंग चढ़े कैसे? जब आपका बेटा 20 साल का हो गया तब आपने कहा चलो बेटा कथा सुनने चलो, वो कहेगा माँ तुम पागल हो गई हो, क्या सत्संग करती हो, क्या कथा सुनती हो। कुल मिलाकर के जब बच्चों को सत्संग करने की आयु होती है तब आप सत्संग से जोड़ते नहीं। लड़कपन, जब पहले के दादाजी लोग क्या करते थे, बच्चों को मंदिर लेके जाते थे। छोटे छोटे बच्चे थे ना तो वो दादाजी के संग चला करते थे। दादाजी बच्चों को लेके कहाँ जाएं? कीर्तन में, मंदिर में। अब बारिश आ गई तो पहले गांव में मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होता था। अब होता है नहीं होता? पहले क्या होता था? अखंड रामायण का पाठ होता था पूरा आषाढ़ सावन, पूरा 4 महीने पाठ चलता था। गांव के लोग पाठ करवाते थे रामचरितमानस का। तो गांव में मंदिर जो होते थे ना, पुराने मंदिर, उनमें रामायण का पाठ चलता था। आप में से किस किस ने ये दौर देखा है कि महीनों तक रामायण का पाठ चलता रहता था गांव के मंदिरों में? लोग जा जा के पढ़ते थे। कभी आप पढ़ रहे हैं अखंड पाठ, है ना? तो पहले लोग रामायण पढ़ने जाते थे, पूरे गांव में रामायण की चौपाइयां गूंजती थी, चुंगा लगा होता था, है ना, स्पीकर लगे होते थे। दूर दूर तक एक गांव में रामायण होती थी तो दूसरे गांव उसकी आवाज जाती थी। सुन सुन के ही लोगों को रामचरितमानस की चौपाइयां याद हो जाती थी। हाँ या ना? पहले के लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे पर रामचरितमानस बहुत याद होती थी उनको, चौपाइयां बहुत याद होती थी, सुन सुन के याद कर लेते थे, बार बार सुनते। पहले के लोगों को मैंने देखा है कि जब रामचरितमानस का पाठ होता था, चौपाइयां बोली जाती थी, तो कुछ लोग ना ध्यान से केवल सुनते थे,
और वो चौपाई जो चलती वो प्रसंग समझते जाते कि अच्छा ये प्रसंग चल रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि चौपाई यहाँ तो हिंदी में ही है ना, तो हिंदी बहुत कठिन तो नहीं है समझना, तो समझ लेते थे और उसी हिसाब से सादा जीवन जीते थे। पहले गांव में संत आते रहते थे, सत्संग होता रहता था, पाठ होता रहता था। अब नहीं हो रहा है, किसी के गांव में, किसी के सोसाइटी में, किसी के मोहल्ले में अब कम हो रहा है। पहले घरों में साधु संत आते थे, अब संतों का आना बंद हो गया। अब पता है आपको, संत कम होते चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में संतों की केवल फोटो रहेगी, कोई संत नहीं बने, कम रहेंगे, रहेंगे तो छिपे रहेंगे कहीं, संत अब कम हो जाएंगे। आने वाले कलयुग में गाय केवल फोटो में दिखा करेगी, संत केवल फोटो में दिखा करेंगे। क्यों? क्योंकि संतों का इतना बहिष्कार लोग करते हैं, इतना अपमान करते हैं, मूवियां बना बना के संतों का, इतनी गलत तरीके से संतों का अपमान। किसी के घर कोई संत भिक्षा मांगने चला जाए कि भैया भिक्षा दे दो, तो लोग उसे 10 गालियां देते, तू कमा के खा नहीं सकता, चला आया मुंह उठा के भीख मांगने। इससे क्या हुआ, संतों को भी लगा बात ठीक है, एकांत में कहीं पड़े हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। इसलिए संतों ने भी अब बहुत सारे संत वृंदावन में ऐसे हैं जो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं जाते, कभी गए होंगे तो लोगों ने अपमान किया होगा, उनको लगा अब धाम में ही पड़े हैं, भगवान के भरोसे अब आत्मकल्याण करो बस। एकांत, एकांत का वास जीवन में। आप लोग भी बच्चों को ये बातें समझाओ, संत हैं तो संस्कृति है, संस्कृति है, संत हैं तो संस्कार है, संत नहीं होंगे तो संस्कार नहीं होगा। माँ बाप संस्कार दे पाते तो माँ बाप तो ऑलरेडी हैं, कहाँ दे पा रहे हैं। 95% माता पिता फेल हैं बच्चों को संस्कार देने में, 5% माता पिता पास हैं संस्कार देने में। ये बात सही है कि गलत है? माँ बाप फेल हो गए हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा संस्कारी हो, चाह कर भी आप नहीं दे पा रहे, फेल हो गए आप। क्यों, क्यों फेल हो गए जानते हो? क्योंकि हर बात तुम नहीं समझा सकते बच्चों को। जैसे पढ़ने के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है, तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जा सकता है वो तुम घर में नहीं पढ़ा सकते। हाँ या ना, बात सही है कि गलत है? जो हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो हम गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो घर पे नहीं पढ़ा सकते। उसी तरह जो संस्कार साधु संतों के द्वारा मिल सकते हैं वो माँ बाप के द्वारा नहीं मिल सकते। कुछ संस्कार गुरु के द्वारा मिलते, इसलिए तो गुरु होते हैं। हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते। माँ बाप ने जन्म दे दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इसके बाद आगे की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। दशरथ जी के पुत्र भगवान राम वो भी पढ़ने गुरु कुल गए, गुरु जी के पास रहे, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में राम को संस्कार आए, राम संस्कारी थे,
कैसे संस्कारवान थे, सवेरे जल्दी जागना, जाग करके माता पिता को नहा धो करके प्रणाम करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को पलट कर जवाब ना देना, यही तो संस्कार है। बड़ों की बातें चुपचाप सुनना, जो बात देखो बड़ों की बातें सुनना चाहिए, आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी, जरूरी नहीं है कि आप हर बात माने। जो मानने लायक है मान लो, मानने लायक नहीं है सुन लो कम से कम। सुनना भी गुण है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सुनते नहीं। आजकल की बहुएं क्या है, अपने सास की जरा भी बात सुनती नहीं है। रॉन्ग मत बोलना, सुनेंगे नहीं। देखो आप लोग हमें अच्छा कहते हैं, आप लोग हमें अच्छा कहते हैं, जब आप लोग हमें अच्छा कहते हैं तो हम सुनते हैं ना। तो जब आप लोग हमें बुरा कहोगे तो भी तो हमें सुन लेना चाहिए। 100 लोग अच्छा कहते हैं हमें और 5 लोग बुरा कहते हैं हमें, तो यदि हम 100 लोगों की बातें सुन रहे हैं तो उन 5 लोगों की बातें क्यों ना सुने। हमें अपने आप को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि हम केवल प्रशंसा ही ना सुने, आलोचनाएं भी सुनने की ताकत रखें। हम केवल आदि क्या हो जाते हैं, आप किसी की तारीफ करो ना तो वो आपको अच्छा मानता है, और आप किसी की निंदा कर दो तो वो आपको बुरा मानने लग जाता, वो आपका शत्रु हो जाता है, तो हमारे दुश्मन हो। तुमने ऐसा क्यों कह दिया, हाँ या ना। अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा, माना कि एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए, माना कि किसी ने आपको बुरा कहा और किसी ने आपको गालियां दी, आपकी निंदा की, आपको गलत कहा और आपको बुरा लग गया, तो अब ये बताओ कि इसमें गलत कौन है, वो जो आपको गलत कह रहा है वो गलत है या आप कि आपको बुरा लगा, इन दोनों में गलत कौन है। एक व्यक्ति आपको गलत कह रहा है, गालियां दे रहा है, और दूसरा आप उसकी गालियों का बुरा मान रहे हैं, अब इन दोनों में गलत कौन है, गाली देने वाला गलत है या गालियों का बुरा मानने वाला गलत है, बोलो कौन गलत है, क्यों भैया, ओ लाला कौन गलत है, गाली देने वाला या गालियों का बुरा मानने वाला, हाँ बोलो कौन गलत है, दादाजी चश्मा वाले, हाँ कौन गलत है बेटा बताओ, जो गाली देने वाला है वो कौन बुरा है, दोनों बुरा। देखो गाली देने वाले की कोई गलती नहीं, गाली देने वाले की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है भाई, कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, आपको देखकर कुत्ता भौंके इसमें कुत्ते की गलती नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। आपके पांव में कांटा चुभ जाए उसमें कांटे की गलती नहीं है, चुभना उसका स्वभाव है। आपने आग में हाथ डाल दिया इसमें हाथ जल गया, इसमें आग की गलती नहीं है, आग का तो जलाना स्वभाव है, हाँ या ना, आग का स्वभाव है जलाना, कांटे का स्वभाव है चुभना, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव है गाली देना। तो वो जो कर रहे हैं
वो उनका स्वभाव है, वो उनका संस्कार है। अब आप क्यों बुरा मान रहे हैं ये बताओ आप। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या बुरा मानते हो? भाई कुत्ते ने हमें भौंक दिया देखकर, उसका स्वभाव, वो अपना काम कर रहा है। इसलिए कोई आपको क्या कह रहा है भौंकने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। परवाह मत करिए लोगों की, आप परवाह करते हैं इसलिए परेशान रहते हैं। आप भूल जाते हैं कि वो आचरण उनका स्वभाव है, उनकी फितरत है। इसलिए वो कैसे हैं हमें क्या करना। आप हमें गालियां दे रहे हैं तो देते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ या ना? आप प्रभावित हो जाते, अरे वो हमें गाली दे रहा है तो तुम भी गाली देने लग जाते हो, वो लड़ रहा है तुम भी लड़ने लग जाते हो। यदि वो लड़ रहा है और तुम भी लड़ने लग गए, वो गालियां दे रहा है और तुम भी देने लग गए, तो फिर उसमें और आप में अंतर रहा क्या? क्या समझदारी है, क्या अंतर है? शंकर जी को भरी सभा में उनके ससुर दक्ष ने गालियां दी, क्या जवाब दिया शंकर जी ने? सारी गालियां सुनते रहे चुपचाप। कौन? भगवान शिव। शिव को लगा कि ससुर जी गालियां दे रहे हैं, इनकी गाली का क्या उत्तर दें? एक बात बताएं, हर जगह बोलना सही नहीं होता। आपको जीवन में इतना ज्ञान हो जाए कि कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, और कितना बोलना है, और क्या बोलना है। यदि आपको इतना नॉलेज हो जाए तो यही तो संस्कार है। हर जगह बोलना ये संस्कार नहीं, हर बात पर बोलना ये संस्कार नहीं।